हाँ तो दोस्तों, करूर विश्या बैंक के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको करूर विश्या बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर के बेसिस में अगर हम यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 52% से यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ा है और 165 करोड़ का यहाँ पे बैंक को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे ये नंबर काफ़ी अच्छा है क्योंकि जो एसेट क्वालिटी बैंक की वो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुई है और प्रोविजनिंग का नंबर भी यहाँ पे बैंक का काफ़ी कम हुआ है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स की अगर हम बात करें यानी कि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ये नंबर 44% से बड़ा है और 165 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। तो यहाँ पे दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है क्योंकि पिछले साल कंपनी ने जो प्रोविजनिंग का नंबर था वो काफ़ी ज़्यादा था और एसेट क्वालिटी भी बैंक की काफ़ी बेकार हुई थी। अब अगर हम यहाँ पे ग्रॉस एनपीए के नंबर की बात करें तो ये नंबर आया है 7.38% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 7.97% पे था। तो यानी कि 0.59% से यहाँ पे ग्रॉस एनपीए के नंबर कम हुए हैं। तो इतनी बढ़िया अगर एसेट क्वालिटी अगर थोड़े टाइम पे कंसिस्टेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर होती रहेगी तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि जो प्रॉफिट वाला नंबर है वो आने वाले टाइम पे हमें अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर नेट एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर आया है 2.99% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 3.69% पे था, यानी कि 0.70% से ये नंबर कम हुआ है। तो यहाँ पे नेट एनपीए का नंबर काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुआ है और ये नंबर होता है प्रोविजनिंग के बाद वाला। तो अगर ये नंबर 2% के नीचे जाता है तो यहाँ पे टॉप बैंक जिनका जो 2% के नीचे का नेट एनपीए का नंबर है उनमें करूर विश्या बैंक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इतनी भी बेकार एसेट क्वालिटी अब यहाँ पर बैंक की हमें नज़र नहीं आती है। अगर प्रोविजनिंग के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 32% से यहाँ पे ये प्रोविजनिंग का नंबर कम हुआ है और 164 करोड़ की यहाँ पे बैंक ने टोटल प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में की है। अब आप बोलोगे कि ये जो प्रोविजनिंग का नंबर ये कम हुआ है तो इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे प्रोविजनिंग का नंबर कम हुआ है उसके बावजूद भी नेट एनपी के नंबर्स कम हो रहे हैं, इसीलिए ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि जो प्रोविजनिंग के बाद में नेट एनपीए का नंबर निकल कर आता है, अगर इतनी प्रोविजनिंग करने के बाद अगर 0.70% ये नंबर कम हो रहा है तो आने वाले टाइम पे अगर इतनी नॉर्मली इतनी प्रोविजनिंग होगी तो बैंक के जो नॉर्मली जो नेट एनपीए के नंबर्स होंगे वो स्टेबिलाइज हो जाएंगे। अब देखिए, लगभग 4000 करोड़ का इस बैंक का मार्केट कैप, एक मिड कैप ये बैंक है और अगर इंडस्ट्री के पीई से अगर हम देखेंगे तो 11 के पीई पे ये स्टॉक अभी मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो एसेट क्वालिटी बैंक की है, जो टॉप प्राइवेट बैंक है उनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो उसकी वजह से ये पी रेशियो हमें इतना कम देखने को मिल रहा है। बाकी प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे देखने का मतलब नहीं है क्योंकि जो ग्रॉस एनपीए के नंबर्स हैं अभी भी 5% से ऊपर है। जब तक वो 5% के नीचे नहीं आएंगे तब तक हम इसको प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है क्योंकि ना तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स अच्छे से बढ़े हैं और ना ही जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो भी इतना अच्छे से हमें बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कभी प्रॉफिट कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो पिछले 4 साल से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 350 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था और उसके बाद में ये 400 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट अभी तक नहीं आया आने वाले 3 साल तक। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू में यहाँ पे नजर आता है क्योंकि अगर कंसिस्टेंटली आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे तो वहां पर आपको मार्केट पनिश कर सकता है और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अब देखिए, अराउंड 2.5% ये स्टॉक अभी ऊपर है, 146 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो ऑलरेडी अगर हम देखेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कम हुई है, जो एसेट क्वालिटी यहाँ पे जो बैंक की खराब हुई थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे फैक्टर इन है और कभी जो कंपनी के नंबर्स आए थे क्वार्टर टू के जो अपडेट्स वाले जो करंट बुक की जो नंबर्स आए थे वो नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे। देखा जाए तो अभी जैसे जैसे रिकवरी आ रही है, लैंडिंग अगर बढ़ेगी मार्केट में तो वहाँ पर ये बैंक को अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो रिटेल लोन्स पे ज़्यादा फोकस अगर रहेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। देखिए, मेरे ख्याल से अगर एक एग्रेसिव वे से अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी जो कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है, अगर थर्ड वेव वगैरह आती है तो वहाँ पे और वर्स्ट केस इनके लिए हो सकता है क्योंकि जो लॉस इन्हें हुआ है पहले वो लॉस और ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ही आपने यह इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी ये क्वार्टर के नंबर्स बैंक के अच्छे हैं।
अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो लगभग 57 to 58 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं तो थोड़ा एक हाई डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि करूर विश्या बैंक के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।